आज चंडीगढ़ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के प्रधान पद के चुनाव की मतगणना चंडीगढ़ के सेक्टर 24 वाल्मीकि मंदिर में हो रही है। तो वहीं भारी बरसात होने के बावजूद मतदाता अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इस प्रधान पद चुनाव में एक तरफ सुरेंद्र कांगड़ा तो दूसरी तरफ धर्मवीर राणा खड़े हैं। तो वहीं चुनाव प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। तो वहीं इस चुनाव में 75 साल के कर्मचारी अपना मतदान करने पहुंचे। तो वहीं चुनाव सुचारू रूप से चले इसके मद्देनज़र चुनाव कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी एवं मुख्य सलाहकार पूर्व मेयर राजेश कालिया भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो वहीं यह चुनाव शाम के 5 बजे तक चलेगा। देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। सैनी जी, जिस तरीके से आज चुनाव हो रहे हैं डोर टू डोर गार्बेज प्रधान के चुनाव के लिए, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का चुनाव चल रहा है? डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी चंडीगढ़ काफ़ी समय के बाद एक जनता की मांग थी कि चुनाव होना चाहिए जी। और बाय वोटिंग चुनाव हो, लेकिन एक सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया डोर टू गार्बेज कलेक्टरों के द्वारा। वो तारीख वगैरह तय की गई, स्थान तय किया गया, सेक्टर 24 वाल्मीकि भगवान आश्रम के अंदर आज डोर टू गार्बेज कलेक्टर्स अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भारी बरसात में बहुत अच्छा माहौल है, बड़े प्यार से चुनाव करा रहे, ईमानदारी निष्पक्ष, जिसमें कि दोनों कैंडिडेट साथ में खड़े हैं, भाई धर्मवीर राणा जी, भाई सुरेंद्र कागड़ा जी, इनके सपोर्टर वोटर सभी आए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से पीसफुली चुनाव आयोग जो गाइडलाइन बनाता है उसी के तरीके से हम पीछे चल चल कर उसको फॉलो करते हैं और उसी को हम उसी प्रक्रिया में गुजर कर चुनाव कराते हैं। आपकी तरफ से कैंडिडेट नहीं, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट हैं। चुनाव कमेटी जब बन जाती है उसके अंदर सभी भाई एक जैसे होते हैं, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना हमारा कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट होते हैं। जो जीतेगा इलेक्शन कमेटी उसको सर्टिफिकेट आज गिनती करके उसको लागू कर देंगे। तो कब तक ये चुनाव हो जाएगा? ये कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है सर्वसम्मति से। आज 5 बजे तक वोटिंग होगी, 5 बजे के बाद गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी जनादेश आएगा, जनता का आदेश आएगा, वो सर्वमान्य सर्वप्रिय होगा। कालिया जी, जिस तरीके से अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटिंग भी हो रही है अभी, और बरसात का मौसम भी है, बरसात भी काफ़ी तेज़ है, पर फिर भी जो मतदाता हैं वो अपना मतदान कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सबसे पहले तो ओम प्रकाश सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारी कमेटी के चेयरमैन हैं और बहुत पीसफुली चुनाव जो है वो करा रहे हैं। इससे पहले भी 8 वर्ष पहले भी चुनाव हुआ था जिसमें सुरेंद्र कागड़ा जी 8 वर्ष तक प्रधान रहे थे। दूसरा ये टर्म में हो रहा है चुनाव, और आज वाल्मीकि समाज का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संगठन जो है आज लगभग 3500 से 4000 के लगभग इस डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी के जो मेंबर हैं चंडीगढ़ के अंदर, शायद सबसे बड़ा संगठन यही है मुझे लगता है। और आज हर्षोल्लास के साथ जिस तरीके से यहाँ चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं बरसात के अंदर लोगों का बड़ा रुझान है चुनाव को, और दोनों कैंडिडेट हैं, हम तो दोनों को आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जो भी चुनाव जीते वो अपने समाज के और अपने लोगों के भलाई के लिए अच्छे काम करें। मैं और ओम प्रकाश सैनी हमेशा इनके साथ हैं। ये चुनाव जो है किसी पार्टी को लेकर नहीं है, ये सामाजिक चुनाव है और ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टरों का चुनाव है। मुझे लगता है कि आज शाम तक इसका रिजल्ट 7-7:30 बजे तक आ जाएगा। दोनों को हमारी विशेष हैं, दुआएं हैं कि हाँ जो भी जीते वो समाज का अच्छे तरीके से कार्य करें। धन्यवाद जी। आज वोटिंग हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हमारे जो डोर टू डोर कलेक्टर्स थे हैं, उन्होंने मन बनाया हुआ था भाई हमारा जो है प्रधान इस बार कोई भी हो, बाय वोटिंग हो, क्योंकि हमने प्रयास किया था बीच में कि सर्वसम्मति से हम बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे जो वोटर थे, हमारे जो डोर टू डोर कलेक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं इस बार वोटिंग से होगा, तो सर्वसम्मति नहीं मानी जाएगी। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है सुचारू रूप से, बढ़िया चल रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ इलेक्शन कमेटी के अधिकारी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका बहुत बढ़िया तरीके से हमारा इलेक्शन चल रहा है, पीसफुली चल रहा है और बहुत ही अच्छा सहयोग किया जा रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी को जय वाल्मीकि। जितने भी मेरे डोर टू डोर कलेक्टर आज जो वोटिंग डालने आए हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जो इलेक्शन कमेटी बनी है मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो इलेक्शन निष्पक्ष हो रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का विपक्ष नहीं हो रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष
वोटर डाले जा रहे हैं कोई भी, और मैं डोर टू डोर आज आप देख भी रहे हो मीडियम के माध्यम से बताता हूँ, इतना उज्जवल डोर टू डोर कलेक्टरों में वोटिंग का जो जागा हुआ है, उधर जो एक प्रधान को लेके जो जनता में चला हुआ था, तो जो भी जीत के आएगा वो सर्वमान्य होगा, जो भी फैसला होएगा इलेक्शन कमेटी। तीन चार दिन के अंदर आप लोगों की काफ़ी मीटिंग हुई, 25 में हुई और भी कई कॉलोनियों में हुई, तो किस तरीके का रुझान मिला आप लोगों को? रुझान डोर टू डोर कलेक्टरों का बड़ा अच्छा रुझान मिल रहा है, मुझे विश्वास है वो मुझे विजय घोषित करके लेके आएंगे। मैं ये 73 साल से मैं डोर टू डोर में काम करता हूँ, काम करता बल्कि 73 नहीं 75 है मेरी उम्र, 75 है, 75 की उम्र में, और सबसे सीनियर डोर टू डोर का नुमाइंदे मैं सदस्य समझ। अच्छा जी, सबसे हमने कुछ 5 बंदियों से स्टार्टिंग करी थी, ये 5 से आज बढ़ दी ये यहाँ तक पहुँच गई, जिसके आज मतलब प्रधान दे हमारी सहमति से हमारी मीटिंग बनी है। भाई क्या ही समझ में, भाई बदलाव जरूरी होना चाहिए, जो मेरी उम्र के हैं 75 साल के, मैं कहा नहीं आगे नए बच्चों ने मौका दिया जाए, हैं आगे ये अपनी राजनीति डोर टू डोर की और आगे आप चलाइए, ये हमारा कॉल है। आपके हिसाब से कौन प्रधान बनना चाहिए? किसके? मेरे? नहीं नहीं, ये नहीं मैं बताऊंगा, कैसे नहीं बताऊंगा, मैंने दो बजा पे मैं यहाँ सीनियर सबसे, मैंने इतने हुआ इतने दो खड़े हैं, 5-4 खड़े होंगे, फिर तने तेरे को ये बताया देना था मैंने, कह जी ये बनना चाहिए, लेकिन वो भी बच्चा मेरा और वो भी मेरा, मैं नहीं ये नहीं मैं बता सकता, समझे। सिर्फ वोट किस लिए पाए गए? दो कुश्ती कर रहे हैं, एक ने तो गिरना ही गिरना है, क्या वो सब ने पब्लिक मेरे भी क्यों कुआ हुआ है भाई, कौन कहेगा नहीं, मैं किसी का नाम ले दूँ जीत दे दूसरा, मैंने दोहे बराबर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हरियाणा मार्बल स्टोर, द बेस्ट इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट्स एंड टाइल्स, स्पेशलिस्ट इन इटालियन मार्बल, कटनी मार्बल, All Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888 4322 636 9988 18801.